हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर क्लासेस आरटीके पे। तो देखिए, आज हम आपको जो हरियाणा के बारे में, हरियाणा जीके का जो हम सिलेबस करवा रहे हैं, उसमें हरियाणा से रिलेटेड आज आपको हरियाणा के, हरियाणा राज्य के मूर्तिकला व चित्रकला के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम हरियाणा के मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों के बारे में पढ़ चुके हैं। हरियाणा का ये स्टैटिक पोर्शन चल रहा है और आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये इसमें हरियाणा में मूर्ति और चित्रकला से संबंधित है। इसमें प्रश्न आता है कि किसी देवी देवता विशेष की मूर्ति पुराने समय में जो स्थापित की गई थी, वो खुदाई में कहीं से निकली है, तो वो पूछता है कि इस देवता की मूर्ति किस डिस्ट्रिक्ट से निकली है, किस स्थान से निकली है, या हरियाणा में मूर्तिकला का विकास कब हुआ, हरियाणा में जो है स्टूडेंट्स आपका चित्रकला का विकास कब हुआ। तो बिल्कुल आसान और काफ़ी छोटा टॉपिक है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, सारा का सारा कंप्लीट हरियाणा जीके का सिलेबस इसमें रहेगा। हम लगभग 18 से 19 डिस्ट्रिक्ट को भी कवर कर चुके हैं और स्टैटिक जीके और हरियाणा करंट अफेयर्स के भी काफ़ी टॉपिक इसके ऊपर डाल चुके हैं। तो सागर क्लासेज आरटीके के ऊपर जो आपको पढ़ना है, उसी का टॉपिक का नाम भरिए, डिस्ट्रिक्ट का नाम भरिए और वो उसमें आ जाएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो टॉपिक शुरू करते हैं भाई, देखें क्या कहता है। एक तो मेन क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में, एक तो कहता है कि भाई जो आपका हरियाणा है, इसमें ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, प्रतिहारों के काल की मूर्तियां पूरे हरियाणा से मिली हैं। प्रश्न आता है कि भाई किस वंश की मूर्तियाँ जो हैं वो पूरे हरियाणा से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से ये प्राप्त हुई हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रतिहार काल जो समय था, उस समय की मूर्तियां पूरे हरियाणा से प्राप्त हुई हैं। दूसरी चीज़ क्या कहता है, देखिए, आधुनिक काल में जो राजधानी मूर्तिकला का विकास था, वो रेवाड़ी को माना जाता है। भाई यहाँ पर जो मूर्तियों का विकास है, उसके ऊपर राजस्थानी प्रभाव देखने को मिलता है। तो आधुनिक काल का पूछ ले तो स्टूडेंट्स हमको बताना है रेवाड़ी, इसमें इंगित आपको करना है। और प्रतिहार काल के समय की मूर्तियाँ पूछ ले किस डिस्ट्रिक्ट में, तो लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में मूर्तियाँ मिली हैं। दूसरा पॉइंट देखें भाई, मूर्ति कला का विकास सर्वाधिक गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल, यहाँ पे उत्तर आएगा, उत्तर गुप्त काल में हरियाणा में हुआ है। हरियाणा में प्राचीन समय में यदि मूर्ति कला का विकास की हम बात करें, तो स्टूडेंट्स उत्तर गुप्त काल में हरियाणा में काफ़ी मूर्ति कला का विकास हुआ है। अब देखें भाई सिस्टमेटिक ढंग से, ये मेन प्रश्न थे, प्रतिहार काल की मूर्तियाँ पूरे हरियाणा से मिले हैं, आधुनिक काल में जो राजस्थानी शैली जो है वो रेवाड़ी से अधिक देखने को मिली है, और मूर्ति कला का प्राचीन समय में हरियाणा में विकास उत्तर गुप्त काल में हुआ है। अब देखें मेन पॉइंट यहाँ भाई, ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये फिजिलपुर स्टूडेंट्स, ये सोनीपत में है। फिजिलपुर से शेष सैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई है। डायरेक्ट पूछा गया था ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एचएसएससी ने डायरेक्ट इसको पूछा था कि शेष सैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो हम कहेंगे सोनीपत जिले से प्राप्त हुई है, सोनीपत से प्राप्त हुई है, जिसका प्राचीन नाम सोनप्रस्थ भी था। एक स्टूडेंट्स ये शब्द काफ़ी पजल करता है, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ, ये याद करने में भी यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ हम डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे थे, तब भी एक डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में फिर से यक्ष यक्षिणियाँ। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, जो यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ हैं स्टूडेंट्स, एक तो यमुनानगर, देखिए यहाँ पर ये एरो का निशान है, यमुनानगर में मिली हैं। दूसरा पलवल, ये स्टूडेंट्स पलवल का निशान है, पलवल में मिली हैं। और तीसरा फरीदाबाद, ये फरीदाबाद में भी मिली हैं। इस तरह से यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ कहाँ पर मिली हैं, आप देखिए, यमुनानगर में मिली हैं, पलवल में मिली हैं और फरीदाबाद में मिली हैं, और नूह से भी प्राप्त हुई हैं। ये मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, यहाँ पर पलवल है, ये नूह है, पलवल है और फरीदाबाद है। यानी कि दक्षिणी हरियाणा में जो फरीदाबाद, पलवल और नूह से, और उत्तरी हरियाणा में यमुनानगर से यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। कई बार ये पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मूर्तियों से संबंधित ये भी इम्पोर्टेंट है। जो अब तक हरियाणा HSSC ने जो प्रश्न मूर्तियों से संबंधित पूछे हैं, चित्रकला या मूर्तिकला से संबंधित पूछे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ आज आपके सोल्व हो जाएंगे। तो देखिए, फिजिलपुर में कौन सा शेष सैया पर लेटे हुए विष्णु भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई है सोनीपत से,
और यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां यमुनानगर, पलवल, फरीदाबाद और नूह से मिले हैं, अर्थात चार जिलों से मूर्तियां मिली हैं। दूसरा देखिए भी पॉइंट क्या कहता है, एक महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध के सिर की मूर्तियां, देखिए ध्यान रहे महात्मा बुद्ध के केवल सिर की चर्चा कर रहा है ये, महात्मा बुद्ध के सिर की मूर्तियां कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम और रोहतक से प्राप्त हुई हैं। यह आपका कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र से हर एक ब्लॉक में मैंने बॉक्स बनाए हैं और जिलों से कनेक्टिविटी दर्शाई है स्टूडेंट्स, पहले मैप बना करके ताकि अच्छा सा आपको समझ में आ जाए। तो देखिए महात्मा बुद्ध के सिर की मूर्तियां कहां से, एक तो कुरुक्षेत्र से प्राप्त हुई है, कुरुक्षेत्र है आपका उत्तरी हरियाणा में, दूसरा कहाँ से प्राप्त हुई है, दूसरा गुरुग्राम से प्राप्त हुई है स्टूडेंट्स आपके महात्मा बुद्ध के सिर की मूर्तियाँ, और एक आपका रोहतक से प्राप्त हुई हैं महात्मा बुद्ध के सिर की मूर्तियाँ। किन जिलों से, ये आपके तीन जिलों से महात्मा बुद्ध के सिर की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम और रोहतक से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट देखें हरसोली गुड़गांव से स्टूडेंट्स लाल पत्थर निर्मित शिव भगवान की मूर्तियाँ मिली हैं। ये प्राचीन समय में मूर्तियां हरियाणा में लाल पत्थर द्वारा निर्मित ही ज़्यादा मिली हैं। तो हरसोली गुड़गांव से लाल पत्थर निर्मित शिव भगवान, ये विशेष है भाई, यहाँ पे शिव भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई है गुरुग्राम से, हरसोली से। इधर विष्णु भगवान की कहाँ से प्राप्त हुई थी, सोनीपत से प्राप्त हुई थी। यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ यमुनानगर, पलवल, फरीदाबाद, नूह से प्राप्त हुई। तो ये था भाई आपका हरसोली गुड़गांव से भगवान शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है। एक स्टूडेंट्स मथुरा कला के प्रभाव वाली शुंग व कुषाणकालीन, वेरी इंपॉर्टेंट, मथुरा कला के प्रभाव वाली शुंग व कुषाणकालीन लाल पत्थर की मूर्तियाँ सौंदी, ये आपका फरीदाबाद से, सांगेल गुरुग्राम से और खोखराकोट रोहतक से प्राप्त हुई है। ये खोखराकोट स्टूडेंट्स ये इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि खोखराकोट रोहतक से किसके समय की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, तो शुंग व कुषाणकालीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये रोहतक है आपका एक ऐसा जिला जिसकी जो है आपका लैंड लॉक्ड है, ये भू आवेष्टित जिला है, एक चरखेदादरी और रोहतक, यहाँ से कुषाणकालीन और शुंग वंश की लाल मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं स्टूडेंट्स। और ये आपका इसके अतिरिक्त रोहतक वाला एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसके अतिरिक्त ये सांगेल गुरुग्राम और सौंद फरीदाबाद से भी प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे मोहनबाड़ी रोहतक से उत्तर गुप्तकालीन विष्णु भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई है भाई। देखिए उत्तर गुप्तकालीन विष्णु भगवान की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। एक आपका फिजिलपुर से सैया पर विष्णु भगवान की सोनीपत में थी, और एक यहाँ उत्तर गुप्तकालीन विष्णु भगवान की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। दूसरी चीज देखें भी क्या कहता है, महात्मा बुद्ध की दो संपूर्ण मूर्तियां, यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, महात्मा बुद्ध की सिर की मूर्तियां प्राप्त हुई थी कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम और रोहतक से। और यहाँ पे क्या है, महात्मा बुद्ध की दो संपूर्ण मूर्तियां यानी कि कंप्लीट महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है पूरी मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं, एक तो रोहतक व नौरंगाबाद भिवानी से। रोहतक में कहाँ से, ब्राह्मणवास से, और नौरंगाबाद कहाँ आपका भिवानी से, ये प्राप्त हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है परीक्षा की दृष्टि से, कंप्लीट जो है महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, ब्राह्मणवास रोहतक से और नौरंगाबाद भिवानी से यह प्राप्त हुई है। दूसरा भाई देखें अग्रोहा से उत्तर गुप्तकालीन सूर्यदेव की मूर्ति काले व सफेद रंग की प्राप्त हुई है। अग्रोहा जो है स्टूडेंट्स ये धाम है प्रतिष्ठित, यहाँ पर काफ़ी जो है एक टूरिस्ट टाइप में भी है। अब देखें अग्रोहा से उत्तर गुप्तकालीन सूर्यदेव की मूर्ति, यहाँ एक नया देवता आ गया है सूर्य देवता की मूर्तियाँ काले रंग में भी प्राप्त हुई हैं और सफ़ेद रंग में भी प्राप्त हुई हैं। हिसार, अग्रोहा पता है आपको हिसार में है। दूसरा पॉइंट देखें सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति दूसरी सदी की थानेसर से मिली है। थानेसर कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। तो सूर्य स्तंभ की मूर्ति थानेसर कुरुक्षेत्र से मिली है। अग्रोहा में सूर्यदेव की जो मूर्ति वो हिसार में मिली है सफ़ेद और काले में। कंप्लीट महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो ब्राह्मणवास रोहतक और औरंगाबाद भिवानी से मिली हैं, और मोहनबाड़ी रोहतक से उत्तर गुप्तकालीन विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है। मथुरा कला के प्रभाव वाली मूर्तियां शुंग और कुषाणकालीन जो लाल मूर्तियां हैं वो फरीदाबाद सौंद और गुरुग्राम सांगेल और खोखराकोट रोहतक से मिली हैं। हरसोली के गुरुग्राम से लाल पत्थर के भगवान शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है। महात्मा बुद्ध के सिर की मूर्ति कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम रोहतक से प्राप्त हुई है। यक्ष यक्षिणियों की यमुनानगर, पलवल और फरीदाबाद से प्राप्त हुई है, नूह से प्राप्त हुई है।
और आपका ये फिजी पुल सोनीपत से सरसैया पर लेटे हुए विष्णु भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई है। दूसरा देखिए स्टूडेंट्स, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता के जो अवशेष हैं, एक तो स्टूडेंट्स भिवानी आपको पता है मित्ताथल, भिवानी में कौन सी जगह है, मित्ताथल भिवानी, और दूसरा स्टूडेंट्स आपका फतेहाबाद में, ये दो जगह से हरियाणा में सिंधु सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। तो ये था स्टूडेंट्स मेन क्वेश्चन जो मूर्तियों से संबंधित अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो हरियाणा राज्य की मूर्तिकला और चित्रकला। इसी तरह से हमने हरियाणा राज्य के मंदिर भी करवाए हैं, हरियाणा राज्य के जो है गुरुद्वारे भी बताए हैं, और हरियाणा राज्य की मस्जिद भी बताई है। तो स्टैटिक हरियाणा जी के हैं स्टूडेंट्स, विविध हरियाणा जी के हैं, ये शॉर्ट 8 से 10 मिनट के टॉपिक रहते हैं। इसमें आप देखिए स्क्रीन शॉर्ट भी ले सकते हो, और 2-4 बार वैसे देखोगे तो वैसे भी याद हो जाएगा। तो ये था भाई आपका हरियाणा राज्य की मूर्तिकला और चित्रकला। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको पसंद आया होगा टॉपिक, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके स्टूडेंट्स, सब जो है कोरोना के कारण से लोग लॉकडाउन है, घरों में हैं, तो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयारी करने का काफ़ी अच्छा समय है। इस अवसर का लाभ उठाइए और अपनी तैयारी सिस्टमेटिक ढंग से कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय भारत, जय हरियाणा।